बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैन रूल पेज नंबर 61 पे आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जिसको हम चैन रूल भी कहते हैं। सपोज करें आपके पास दो फंक्शंस हैं, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस। ये दो फंक्शंस हैं आपके पास, आपने इनकी कंपोजिशन ले ली है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपने इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये दो फंक्शंस कंपोजिशन है, एफ का डेरिवेटिव इंटू अंदर वाला, जो अंदर वाला जी ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव। इसको ज़रा सिंप्लीफाई लैंग्वेज में मैं आपको लिखवा देती हूँ। ये इसके बराबर है फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। आप कर लें जी ऑफ एक्स को यू पुट कर लें, यही मेथड होगा आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जी ऑफ एक्स को यू पुट कर लें तो वाई क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, ठीक है जी। अब जो है यू चूंकि जी ऑफ एक्स के बराबर है, अब u का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x, तो u की डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होगा, g का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, g प्राइम, डेरिवेटिव को प्राइम से भी हम शो करते हैं ना, g प्राइम ऑफ x। अब y जो है, y का इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बन गया है, u, तो y की जो डिफरेंशिएशन होगी वो u की रिस्पेक्ट से होगी। वो किसकी रिस्पेक्ट से होगी, u की रिस्पेक्ट से होगी, क्योंकि y का वेरिएबल अब आपने चूंकि u पुट कर दिया है ना, तो y का वेरिएबल u बन गया, इसलिए y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u होगी, f डैश ऑफ u। ये f का डेरिवेटिव f डैश से हमने डिनोट कर दिया। अब ये जो वैल्यूज हैं ये आप इसके अंदर पुट कर दें, क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन गया आपके पास, एफ डैश ऑफ यू है ना, जी ऑफ एक्स यू था ना, एफ डैश ऑफ यू किसके बराबर है, डी वाई बाई डी यू के बराबर है। ये सारा किसके बराबर है, डी वाई बाई डी यू के बराबर है। और जी डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल है, डी यू बाई डी एक्स, और इसको हम चेन रूल कहते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, चेन रूल। इस चेन रूल को यूज़ करते हुए हम अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चेन रूल किस चीज़ के मुतल्लिक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के मुतल्लिक है। एक फिर मेथड डिवाइस कर दूँ, आपने जी ऑफ एक्स जो है अंदर वाला जो है उसको यू के बराबर रख लिया करना है, यू के बराबर रख लेंगे तो फंक्शन क्या बन जाया करेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, u, y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, ठीक है जी। अब u जो है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, तो u की डिफरेंशिएशन करनी है अपने विद रिस्पेक्ट टू x। ये अपने याद रखना है, इस पे गौर करना है कि u जो है आपके पास का u का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अब x है, तो x की रिस्पेक्ट से इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ x। अब y का जब आपने सब्सटीट्यूशन कर ली है, u पुट कर दिया है, तो y का इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बन गया है, u। अब y की डिफरेंशिएशन u की रिस्पेक्ट से होगी, जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ u। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दें, क्या बन गया, एफ डैश ऑफ u, ये एफ डैश ऑफ u है, डी वाई बाई डी यू इंटू डी जी डैश ऑफ एक्स क्या है, डी यू बाई डी एक्स। ये आपके पास चेन रूल है, और इसको यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4,
क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 6। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। आपने क्या कैलकुलेट करना है? dy बाई dx। अब बेटो देखो बेटा, देखने में तो ये बहुत सिंपल सा लग रहा है पिछली एक्सरसाइज की तरह, लेकिन अब साथ पावर है। अगर पावर ना होती, अगर पावर ना होती तो फिर तो ये इंतहाई आसान सवाल था। अगर पावर ना होती तो आपने क्या करना था? डी वाई बाई डी एक्स, कोफिशेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऐसे करना था, माइनस टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 7 का डेरिवेटिव ऐसे करना था। लेकिन अब पावर इन्वॉल्व हो गई है, अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बन गया है, इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई होना है। तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? अंदर वाली जो टर्म है उसको u के बराबर रख लेंगे, जो अंदर वाली टर्म है उसको क्या करेंगे? u के इक्वल ले लेंगे। ये क्या बन गया? 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसको हमने सपोज कर लिया ये u के इक्वल है, तो y क्या बन गया आपके पास? y इज इक्वल टू u की पावर 6 बन गया। अब इसका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, इसका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने आपको मेथड में बताया है। यू का डेरिवेटिव भी कैलकुलेट किया, वाई का डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है, और इस फार्मूले में पुट करना है। ठीक है जी, चेन रूल क्या है आपके पास? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। वाई का डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि इसका वेरिएबल अब यू बन गया, तो इसको यू के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। डी वाई बाय डी यू इज इक्वल टू डी बाय डी यू यू की पावर 6। पावर नीचे उतरी, पावर फार्मूला लगाएगा ना, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम, 6 यू की पावर 5। अब u की वैल्यू दोबारा पुट करते हैं, क्या बन जाएगा? ये u की वैल्यू दोबारा पुट है, 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5। u की पावर 5 से ना, अब ये u ले लें और इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब इसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे पावर के बगैर, कोफिशेंट बाहर और x के स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस कोफिशेंट बाहर x का डेरिवेटिव प्लस 7, चूँकि किसी का कोफिशेंट नहीं है, ये कांस्टेंट के तौर पे है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, ये 2x नीचे उतारा, इस पे पावर फार्मूला लगेगा, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस 2x का डेरिवेटिव आपको बताया 1 होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, 6x माइनस 2। अब डी यू बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी यू, ये वैल्यूज़ हम यहाँ इस चेन रूल में पुट कर देंगे। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देंगे। चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू पुट करें, वो क्या थी? 6, ये ठीक है, 6 थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू, अब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो कि आई है आपके पास 6x माइनस 2, वो इसकी जगह पे पुट कर देंगे।
तो दरअसल चेन रूल क्या है, अगर आप गौर करें तो हमने क्या किया, यहाँ पर सवाल ख़त्म हो गया। अब मैं आपको इसका अंदाज़ बता रही हूँ कि चेन रूल ने दरअसल किया क्या है। चेन, देखो बेटा, जब पावर फार्मूला था आपके पास तो सिर्फ एक्स की पावर थी, सिर्फ एक्स की पावर थी, तो आप डेरिवेटिव कैसे लेते थे, पावर नीचे उतरी पावर में से एक कम। अब पावर के अंदर एक्स के अलावा और टर्म्स हैं, पावर के अंदर एक्स के अलावा और टर्म्स हैं, इसलिए चेन रूल क्या करता है, पावर नीचे उतारी है ना, इसने पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया और अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि अंदर वाली टर्म्स एक्स के अलावा थी, अगर तो एक्स होती तो पावर रूल लग जाना था। अब टर्म्स जो हैं वो एक्स के अलावा हैं, बहुत सारी हैं, एक्स का स्क्वायर है, तो इसलिए अंदर वाले का, जब भी कोई पावर के अंदर चीज़ एक्स के अलावा हुआ करेगी तो चेन रूल अप्लाई हुआ करेगा और अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव आएगा। और आप देखेंगे कि आंसर इसी के इक्वल आता है, पावर है नीचे उतरी पावर में से कम, तो चेन रूल दरअसल ये करता है कि जब भी पावर में आपके पास पावर के अंदर एक्स के अलावा और टर्म्स आ जाएंगी तो चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। ये है चेन रूल का तरीका कि पावर नीचे उतरी पावर में से कम और अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, कैसे सॉल्व करें इसे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब पावर के अंदर x के अलावा कुछ और कुछ आ गया है, कोशेंट आ गई है, x नहीं है। अगर तो ऐसे होता सवाल फिर तो बहुत आसान होना था, पावर फार्मूला लगाना था और आराम से डेरिवेटिव हल हो जाना था। लेकिन अब जो है आपके पास क्वेश्चन में पावर के अंदर जो है वो एक्स के अलावा और टर्म्स हैं, एक्स के अलावा कुछ भी होगा तो चेन रूल अप्लाई हो जाना। अब आपने इसको पुट करना है यू के इक्वल, चेन रूल क्या है, dy/dx इज इक्वल dy/du इंटू du/dx। तो इसलिए आप अंदर वाली सारी टर्म्स को यू के इक्वल ले लेंगे, वाई क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू यू की पावर 1/2। अब इन दोनों का डेरिवेटिव कैलकुलेटर करना है इनके वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट से और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। वाई का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, dy/du, क्योंकि अब इसका वेरिएबल यू है तो यू की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएशन करनी है। dy/du इज इक्वल टू पावर नीचे उतरी पावर में से एक कम, क्या बन गया, 1/2 यू की पावर -1/2। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, यू की 1/2 पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगी तो 1 और स्क्वायर रूट यू बन गया। ठीक है जी, ये dy/du आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब du/dx कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दे। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म है तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1 - x, ये सेम माइनस पहले वाला सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, स्पेस नहीं रही तो ये यहाँ पे लिखना है, du/dx इज इक्वल टू 1 + x का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 + x -1 - x, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1।
ये माइनस वन आ गया, माइनस वन जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर, माइनस वन माइनस एक्स, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो अंदर वाली सारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। ये भी माइनस है, माइनस वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स और प्लस एक्स काट गए, माइनस टू ओवर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यूज जो हैं आपने यहाँ चेन रूल में पुट कर देनी है, ठीक है जी। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू और डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू क्या है, वन ओवर टू स्क्वायर रूट यू। यू किसके इक्वल है, यू आपने इसके इक्वल लिया हुआ, ये वैल्यू पुट कर दें यू की, वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, ये माइनस टू ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस टू और प्लस टू कट गए, ठीक है जी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया आपके पास, ये ऊपर इसको ले जाए टर्म को, ये आपके पास वन ओवर है ना, तो ऊपर जाएगी तो उलट हो जाएगी। जब वन ओवर टर्म होती है तो आप उसको ऊपर लेके जाते हैं तो वो उलट हो जाती है, इंटू यहाँ पर माइनस था, माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये पावर नीचे आ जाएगी तो क्या बन जाएगी, माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये नीचे आके माइनस वन बाई टू हो जाएगी, ठीक है जी। सिर्फ एक स्टेप की सिंप्लीफिकेशन आ गई है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, टू माइनस वन बाई टू क्या होगा आपके पास, थ्री बाई टू। तो आपके पास डेरिवेटिव कैलकुलेटर हो गया है बाय चेन रूल। इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं।